नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ शिवाली अग्रवाल जी जुड़ी हैं, जिनके साथ बातचीत करेंगे सोसाइटी के बारे में और उस संस्था के बारे में जिसके बारे में 4 साल पहले मीडिया में काफ़ी अलग अलग बातें, अलग अलग हेडलाइंस दिखाई जा रही थी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या लगता है, इन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया है डेरा सच्चा सौदा के साथ, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जिंसा के साथ। शिवाली जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैम, आप कितने समय से जानते हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जिंसा? मैंने नामदान लिया हुआ है यहाँ पे 2009 में, तो मैं तभी से ही गुरु जी को जानती हूँ और यहाँ पे मेरा तभी से ही आना जाना हुआ है। मैम, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं MBA हूँ, MBA किया हुआ है मैंने फाइनेंस में। वैसे मैं फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूँ। मैम, आप इतनी एजुकेटेड हो फिर भी आप एक संस्था के साथ जुड़ी हो, क्यों? मतलब आपको क्या अच्छा लगता है वहाँ पर? यहाँ की एक तो मेरे को सोसाइटी जो है वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मतलब एक ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है मेरे को यहाँ पे आके, एक तो मेरे को यहाँ पे आना अच्छा लगता है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आती हूँ। मैम, बीइंग गर्ल सुरक्षित महसूस करते हो आप डेरा से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में मैं कहीं पर भी गई हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मैं सिरसा में भी कहीं पर भी गई हूँ, तो जो माहौल मेरे को यहाँ पे मिला है ना, वो मैं कहीं पर भी चली जाऊँ वो माहौल मेरे को नहीं मिला है। मैं क्या होता है कि ना 9-10 बजे के बाद लड़कियों के लिए ये बोला जाता है कि आप घर से बाहर मत निकलो, ठीक है। अगर दिल्ली में हो तो उस वहाँ पे भी आपको कैब प्रोवाइड करवाई जाती है, जो वर्किंग वूमेंस वगैरह होती है कैब प्रोवाइड करवाई जाती है। उनका यही सोचा जाता है कि भाई जितना कम हो सके वो बाहर निकलें, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम जाए जितने मर्जी बजे भी निकल जाए, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे खुले हैं। मतलब कोई हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, यहाँ पे सेफ है यहाँ पे। लेकिन मीडिया में काफ़ी अलग जो आप बता रहे हो उससे बिल्कुल ऑपोजिट दिखाया जा रहा था, लड़कियों की सेफ्टी के ऊपर ही सवाल उठाए जा रहे थे। नहीं नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा है यहाँ पे। इनफैक्ट मेरी शादी को 3 साल हो गया है, तो मेरे को ऐसा अभी तक कुछ फील नहीं हुआ है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, मेरे को कुछ नहीं फील हुआ। जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसके बारे में क्या लगता है आपको? एलिगेशंस मेरे को तो यही लगता है कि वो झूठ है ना। तो जो टीवी में दिखाया गया था वो सब झूठ दिखाया गया था, मेरे को तो यही लगता है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जिंसा से कभी भी अगर आप अपने देखा होगा तो उनका नेचर स्वभाव कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा स्वभाव है। वो क्या होता है ना कि जो हमारे माइंड में होता है ना, वो उसी को ही मतलब हमारी फेस को रीड करके वही बता देते हैं। तो जो भी मेरे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मेरे पूछने से पहले ही उनके आंसर्स मेरे को मिल जाते हैं, तो ऐसा मेरा रहा है उनके साथ एक्सपीरियंस। मैम, उन्होंने सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए क्या काम किया? उन्होंने यहाँ पे बहुत से मानवता भलाई के कार्य चलते आए हैं। उन्होंने जैसे वैश्यों को बेटी बना के उनकी शादी करवाई है, ठीक है। और जो ये होते हैं किन्नर वगैरह जिनको बोला जाता है, उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। वो उनको 3rd जेंडर का उनको मिला है, और ऐसे बहुत से काम हैं जो उन्होंने, 134 चल रहे हैं यहाँ पे कार्य चल रहे हैं, तो बहुत से काम हैं जो चल रहे हैं। पेड़ पौधा रोपण हो गया उसमें, ठीक है। जो होमली शेल्टर का यहाँ पे चल रहा है, कि जो मतलब विधवा होती है या जो मतलब कि नहीं, उनका काम जो है मिट्टी, उनका मतलब घर वगैरह नहीं होता तो उनको घर बना के दिए जा रहे हैं, चाबियाँ दी जा रही हैं। और जो माँ बाप नहीं बन पाते हैं, उनको उम्मीद होती है कि भई हमें हमारे भी बच्चे होने चाहिए, ठीक है, वो गोद ले सकते हैं यहाँ पे। जो मतलब लड़कियों के लिए जो पहले से ही भ्रूण हत्या कर दी जाती है, उनके लिए स्टेप उठाए गए हैं। बहुत से स्टेप्स हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, कि भई जो किसी ने नहीं सोचे हैं वो गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने सोचे हैं, और उनको सारे फॉलो कर रहे हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं। 4 सालों से नहीं है मैम, क्या आपको लगता है कोई इम्पैक्ट समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर पड़ा है उनके ना रहने से? कुछ भी नहीं, वो हमें तो हमारे वो हम अभी भी हमारे बीच में ही हैं। नीड है मैम उनकी सोसाइटी? बहुत ज़्यादा नीड है। अब ये देखिए ना कि हमारा देश कितना पीछे चला गया है उनके जाने के बाद, कितने मतलब कि ऐसे हैं कि जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है ना, जो सुधार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, हमारा देश पीछे होता जा रहा है। तो अगर वो आएंगे तो मेरे को लगता है कि वो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है, बहुत तरक्की कर सकता है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? सर,
अपील तो सरकार से क्या अपील करोगे संत जी के लिए कि वो बेगुनाह है, जो भी उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं वो गलत हैं, उनको मतलब कि रिहा कर देना चाहिए, उनकी सुनवाई करनी चाहिए, सच्चाई को सामने लेकर आने की कोशिश करनी चाहिए, बस यही अपील करना चाहिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि सच सामने आना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए, और इनकी इनके अंदर से इनको लगता है कि जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो तमाम झूठे हैं। आप भी सोचिए आपकी क्या राय है, ये वेल एजुकेटेड लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि इनको जो लगता है सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह है डेरा सच्चा सौदाश्रम, लेकिन मीडिया में बिल्कुल उल्टा दिखाया गया। आप सोचिएगा जरूर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।